दिवस के लिए दे सकते हो, व्यवस्था की गई है। Hey guys, good morning, welcome back to Vardy Vlogs। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। सो अभी जो है 11 बज रहे हैं, नहीं 10 बज रहे हैं भाई सुबह के, और आज है हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अभी जो है व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज कल व्लॉग स्टार्ट करने वाले थे पर कल मैंने सोचा यार अब इंडिपेंडेंस डे कल से व्लॉग स्टार्ट करते, तो आज हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत जगह पे जाएंगे जहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और देखेंगे जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ पे भी जाएंगे। तो व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो व्लॉग को लाइक जरूर कर देना व्लॉग को, और चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आजकल लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई, देख सकते हम लोगों ने यहाँ पे तिरंगा लगाया, बाकी वही तिरंगा उसके बगल में, फिर वहाँ पर हर घर तिरंगा है भाई, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता। सभी जो हम लोग जाने वाले हमारे घर की तरफ जो है मोती पार्क, तो वहाँ पे भी जो है राजगान होने वाला है एंड तिरंगा जो फहराया जाएगा। सो वहाँ पे भी तो जाने वाले हम लोग, 11 बजे का टाइमिंग, तो अभी 10 बज रहा है, तो थोड़ी देर में निकलते हैं भी हम लोग घर से और सीधा आपको लेके चलते हैं मोती झील पार्क में। रजत जी को मैं बुलाना चाहूंगा, रजत जी भी यहाँ पे आ जाएं साथ में स्टेज पर। और हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान इस पल में शरीक होने हमारे साथ आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी उपस्थित थे, और बहुत सी बड़ी हस्तियाँ जो यहाँ पर उपस्थित थी, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। किसी के वास्ते जो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शरीर हो सकते हैं अपनी जगह पर हाथ उठाकर, या आगे आकर नृत्य भी कर सकते हैं। माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, सीमा जैन मैम वो खुद को भी नहीं रोक पाई इस आजादी के जश्न में अपनी
बच्चियों के साथ शरीक हो गई। एवं जोरदार तालियां अमर ज्वाला प्राचीता की बहनों के लिए। परिवार को सम्मानित करेंगे, ये हमारे लिए, अमर उजाला के लिए, पूरे कानपुर के लिए गर्व की बात है। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए आप। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, महापौर नीलमा हमारे प्रमिला पांडे जी हैं, विधायिका नीलमा कटियार जी हैं और हमारे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर साहब आनंद प्रकाश तिवारी भी हैं। हम इन सभी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। हमारे अमर उजाला के लोग लेके आए मंच पर, हमारे संपादक जी, हमारे जीएम साहब और गणेश सर, वो भी मंच पे आ जाए प्लीज। मैं संपादक सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि साहब को मोमेंटो और बुके देकर उनका वेलकम करें। ये सब अधिकारी हैं, वो भी हैं, ये भी। जोरदार तालियां लगातार। संपादक जी से फिर स्वागत करेंगे कि कहेंगे कि फिर हमारे मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। हमारे विधायक नीलमा कटियार जी हैं, डीएम साहब से कहेंगे कि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं, हम गणेश सर से कहेंगे उनका सम्मान करें। हमारे बीच में नगर आयुक्त साहब हैं, जीएम सर से कहेंगे और प्रवीण सर से कहेंगे कि प्लीज उनका स्वागत करें। अब हम अपने जो शहीद परिवार है, कृपया हमारे फोटोग्राफर साथी उनको आने दें। फोटोग्राफर साथी कृपया हमारे शहीद परिवार को, शहीद परिवार के जो पारिवारिक जन है उनको आने दें। विनीत यादव के पिताजी शहीद पिता के पिता रामेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमर उजाला की तरफ से। संपादक जी, जीएम सर, उनका वेलकम सवाल उड़ा के करें। जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए उस वीर शहीद के पिताजी का। और साथ ही उन्हें 25,101 रुपए का चेक प्रदान करें। जोरदार तालियां अमर उजाला की तरफ से। जोर से बोलिए भारत माता की। अब हम अपने मुख्य अतिथि साहब से, हम सबसे पहले 70 फीट का ये पहली बार इस शहर में, सर आपको बताया, ये झंडा अस्थाई रूप से हमारे नगर आयुक्त साहब और अमर उजाला के सहयोग से ये स्थापित किया गया, महापौर महोदया के सहयोग से। हम अनुरोध करेंगे कि सर झंडा रोहण के लिए आप ये क्लिक है, इसको दबाएं। ध्वजा रोहण होने जा रहा है और सम्मान दें। किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो जहां पर है वो वहीं पर स्थिर हो जाए।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत करते हुए उसे अनुरोध है कि सर दो सर देश के नाम सभी पदाधिकारीगण अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित कानपुर महानगर के महापौर मेरी बड़ी बहन आदरणीय प्रमिला पांडे जी, मेरी छोटी बहन पूर्व मंत्री और विधायक नीलिमा कटियार जी, हमारे श्री आनंद जी तिवारी उपस्थित सभी, मैं सभी लोगों का नाम ले सकता हूँ, अनुरूला साहब उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाई और बहनों और नौजवान दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद हिंदुस्तान में जन्म लिया। आज़ादी का जो मज़ा होता है वो हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन कभी कभी इस देश में जिन्होंने उन आज़ादों आज़ादी के दीवानों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास पढ़ा तो कभी कभी उनके मन में ये भाव भी आता है शायद हम आज़ादी के पहले जन्म लिए होते और आज़ादी के उस आंदोलन में हमने हिस्सा लिया होता, ये भी भाव कभी कभी हमारे मन में, लेकिन वो जज्बा, वो समर्पण, वो राष्ट्रभक्ति का भाव, वो देश की प्रगति के प्रति आस्था विश्वास, यही हमारे सब लोगों के मन के अंतर्गत है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भारत माँ, जिसको हमने केवल धरती का टुकड़ा नहीं माना, माँ की संज्ञा दी है, हम सबका समर्पण उस माँ के प्रति है। भारत माँ एक समय के ऊपर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हुई, हमारा ज्ञान हमारा दिवस के लिए देख सकते हो व्यवस्था की गई है, एंड अंदर जो है LED वगैरह लगी हुई है, अंदर चलते हैं। तिरंगा जो फहराना था वो सब हो गया है, वहाँ पर प्रमिला पांडे और बहुत सारे लोग आए हुए थे, महामंत्री सब लोग आए हुए थे, तो सब ने तिरंगा फहरा दिया, बाकी कार्यक्रम वगैरह था वो हम लोगों ने शूट करा है। एंड अभी चलते हैं भाई घर की तरफ, भी बहुत देर हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और गर्मी भाई बहुत हो रही है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, चलते घर अब। एंड अभी जाएंगे भाई मेट्रो से, क्योंकि भाई पता है ऑटो में इतनी गर्मी हो रही है भाई, क्या करें, मेट्रो से जाएंगे, AC की हवा खाते खाते बढ़िया, बहुत दिन से मेट्रो में भी नहीं गए, तो चलते मेट्रो सीधा। तो भाई मेट्रो स्टेशन आ गए हम लोग, सो जल्दी से टिकट ले लेते हैं अपनी, एंड कोई नहीं मेट्रो स्टेशन जैसा कि, तो जल्दी टिकट लेते हैं। सो भाई मेट्रो स्टेशन आ गए, भाई मेट्रो आ गई अपनी, जल्दी चलते हैं, इधर वेट करना पड़ेगा, देख सकते हो मेट्रो आ गई, चलते जल्दी से, मेट्रो आ गई। खुल जा, खुल गई ये भाई, पूरी मेट्रो खाली है इस टाइम, पूरी मेट्रो खाली है पूरी, और वो सामने कुछ है, बाकी मेट्रो खाली है पूरी। तो भाई अपना स्टेशन आ गया भाई, पसीने से पूरा हाल, एंड जल्दी चलते लिफ्ट से, चलते भाई सीढ़ी नहीं जाएंगे क्योंकि थकते हैं बहुत, तो लिफ्ट के अंदर आ गए। चलो डोर क्लोज हो गया भाई, लाइटिंग देख रहे हो कितनी गजब है, इसे मेरे घर में होती तो इतना गजब होता। सो भाई अभी हम लोग आए हुए मॉल में, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे घर, तो सोचा मॉल चलते हैं। एंड ये देख सकते हो आज इंडिपेंडेंस डे, तो उसके लिए देख सकते हो इतना गजब बनाया गया, इंडिया लिखा हुआ, एंड पीछे फ्लैग है इंडिया का,
बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है सेल्फी या फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। एंड मॉल का जो सीन देख सकते हैं, बहुत काफ़ी दिन बाद मॉल में आ रहे हैं। चलते हैं ऊपर भाई, यहाँ भी इंडियन फ्लैग लगाए गए हर जगह भाई, इंडियन फ्लैग है, होना भी चाहिए भाई, आज इंडिपेंडेंस डे है। एंड फर्स्ट फ्लोर से ये रहा कुछ सीन मॉल का। सो चलते भाई, ऐसे ही आया था मैं, कुछ खास वो नहीं था मॉल में। चलते हम घर भाई, वैसे बहुत देर हो रही है, चलते हैं भाई घर की तरफ। पेटी वाले भैया आई, पेटीज दे दो, मुझे पेटीज पिला दो, मतलब खिला दो। OMG 2 या गदर 2, दोनों में से कौन देगा जल्दी बताओ यार। सभी जो हम लोग आ चुके हैं घर पर, एंड अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं। सो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे या देखेंगे, एंड करना हो तो एंड करेंगे, बाकी जो मेन पर्पज़ था जाने का वो तो कंप्लीट हो गया। बाकी आपको वही जो तिरंगा वगैरह जो फहराना था वो चीज़ दिखानी थी, और क्या क्या तैयारियाँ हुई वो सब दिखानी थी आपको, तो वो बस मैंने दिखा दी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखेंगे, ब्लॉग कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी जो है शाम के 5 बज गए हैं, और भाई अभी जो हम लोग सो गए थे तो 2-3 घंटे बाद ही उठे हैं, क्योंकि भाई पता नहीं किस टाइम दोपहर में नींद आ रही है भाई। सो अभी भी जस्ट उठे हैं थोड़ी देर पहले, बाल देख लो भाई कैसे हो रखे हैं। एंड वेदर जो है आज सही है, थोड़ा बहुत नॉर्मल वेदर है। एक सेकंड, ये देख सकते हो आज वेदर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं। सो गाइस आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करते, तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। सो ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग को लाइक जोर से कर देना, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।